पाथरडीह बीसीसीएल के मोनेट वासरी जेएसडब्ल्यू के ठेका मजदूरों के 2 माह के वेतन सहित अन्य मांग को लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में मोनेट मुख्य गेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लगभग 250 से 300 मजदूरों का 2 माह का वेतन ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गई है, जिसको लेकर रविवार को गेट मीटिंग किया गया। हमारी मांगों को तत्काल पहल करते हुए हम लोगों का वेतन का भुगतान किया जाए, नहीं तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्रम है भैया, क्या हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उससे बीसीसीएल का मुनाफा हो रहा है, मजदूर उत्पादन कर रहा और 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। मैनेजमेंट से पूछने जाते हैं तो बोलता ठीकदार जीएसटी जमा नहीं किया है। हम लोग जीएसटी जमा कर दिए हैं लेकिन ठीकदार जीएसटी जमा नहीं किया। हम लोग जीएसटी मेजटी से हमको क्या लेना देना है, हम काम किए हैं, हमको पैसा चाहिए, लेकिन खाली लोग आश्वासन दिया है, आज तक उसको वेतन इन लोग को नहीं मिला। इन लोग को घर में हड़िया चढ़ना मुश्किल हो गया, इन लोग भुखमरी के कगार में है। इस बार 25 अप्रैल को जो आरएलसी के यहाँ मीटिंग होगा, ये सब सवाल हम लोग उठाएंगे साथी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो ये हाल है, यहाँ जंगल राज्य से है, आगे 1000 रुपया करके सब मजदूर से पैसा काटा जाता था, 1000 करके। ये स्टेटमेंट हम लोग निकाले हैं, ये प्रशासन के पास हम लोग जाएंगे कि 1000 करके कौन काट लेता था, 1000 करके कौन लेता था, इसको जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। लगभग कितने मजदूर का वेतन बाकी है? ये 250 से बेसी मजदूर है, 300 मजदूर है जिसको तनख्वाह नहीं मिल रहा। आज उसी के लिए गेट मीटिंग किया जा रहा है, गेट मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अपना अधिकार के बात समझा रहे हैं और तमाम मजदूर इसका विरोध कर रहा कि हम लोग काम किए हैं, 1 महीना नहीं 2-2 महीना हो गया और हमको अभी तक पैसा नहीं मिला है। अगर आपके ये मांगों पर पहल तत्काल नहीं करता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, मेरा मेहनत का पैसा अगर हमको नहीं भुगतान हुआ, अगला कदम भयंकर होगा। यहाँ के गांव के लोग, यहाँ का किसान और यहाँ के मजदूर तमाम लोग इसी गेट में जुटेगा और इसका हुड़का दाम कर देगा। हम लोग इसको कोई रंगदारी चलने नहीं देंगे। कितने दिनों के अंदर ऐसा कीजिएगा? ये हम लोग 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिए हैं, 1 हफ्ता में अगर नहीं करता है तो तमाम लोग इलाका का जुटेंगे और मजदूर का समर्थन में हम लोग यहाँ बैठेंगे।